Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार मैं डॉक्टर दिग्विजय सिंह सहायक प्राध्यापक विधि एवं शासन प्रणाली पीठ दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया मेरे इस पाठ्यक्रम का शीर्षक है श्रम एवं औद्योगिक विधि भाग दो हम जानते हैं श्रम एवं औद्योगिक विधि भाग दो आ, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पर केंद्रित करता है इस भाग में हम श्रमिकों को मिलने वाले ढेर सारे सामाजिक सुरक्षा आ, कानूनों का अध्ययन करेंगे और उसके माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि इन्हें क्या अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला हुआ है जो कि सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना पर आधारित है इस प्रथम व्याख्यान में हम सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना इसके अर्थ और इसके महत्व को समझने का प्रयास करेंगे और इस प्रथम व्याख्यान का यही शीर्षक भी है इस व्याख्यान का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना को समझना है सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना की उत्पत्ति को जानना भी इस व्याख्यान का एक आवश्यक उद्देश्य है इसमें हम सामाजिक सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का अध्ययन करेंगे और यह पता लगाने का प्रयास करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है इसके पश्चात हम सामाजिक सुरक्षा का अर्थ और इसके महत्व को जानने का प्रयास करेंगे और इस पर विभिन्न विद्वानों के जो दृष्टिकोण हैं उनके जो विचार हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे हम इस व्याख्यान में सामाजिक सुरक्षा के परंपरागत और और आधुनिक घटकों को भी जानने का प्रयास करेंगे जिनके आधार पर हम सामाजिक सुरक्षा नीतियों का निर्धारण करते हैं तत्श्चात तो तो हम भारत में सामाजिक सुरक्षा भारतीय संविधान के तहत कहाँ कहाँ मिला हुआ है या फिर भारत में सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना कैसे अस्तित्व में आती है और आज इसकी संवैधानिक परिस्थिति क्या है इसको जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ हम अंत में आ, सामाजिक संहिता सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत जो नए प्रावधान आए हैं उनको भी जानने का प्रयास करेंगे सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना सामान्यतः सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना आर्थिक असुरक्षा के विरुद्ध एक सुरक्षा की संकल्पना है अगर हम उद्योगों की बात करें और उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों कर्मचारियों की बात करें तो उनके लिए आर्थिक सुरक्षा एक एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है उनके आर्थिक सुरक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना का विकास हुआ है अगर हम देखें तो इस आर्थिक सुरक्षा को प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना का का जो जो उदय हुआ वो बीसवीं सदी के प्रारंभ में हुआ जब जब दुनिया ने वैश्विक स्तर पर आ, बहुत बड़ा एक आर्थिक संकट एक आर्थिक मंदी फेस किया था उसी के बाद ये संकल्पना अस्तित्व में आती है इस इसके तहत इस संकल्पना के तहत सामान्यतः सरकारी सामाजिक नीतियाँ जो कि सब जीवन स्तर की गारंटी देने के लिए बनाई जाती हैं उनका निर्धारण किया जाता है और डेनमार्क पहला वो कंट्री है जिसने सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 1933 बनाया हुआ है और सर्वप्रथम इस अधिनियम के माध्यम से इस विधि के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया था तत्पश्चात जब हम हम अमेरिका की औद्योगिक विकास पर नज़र डालें तो अमेरिका में औद्योगिक विकास के साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना का भी उदय होता है और सर्वप्रथम 1935 में इसमें आर्थिक असुरक्षा के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए सामाजिक संकल्पना की, की आ, उत्पत्ति होती है और और आ, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी के कार्यकारी सचिव अब्राहम एपस्टीन वह व्यक्ति हैं जिन्होंने सामाजिक सुरक्षा शब्द को गढ़ा इसकी इसकी उत्पत्ति उन्होंने की और आज विश्व पटल पर सामाजिक सुरक्षा शब्द बहुत ही ख्याति प्राप्त एक एक शब्द और एक संकल्पना है जो कि औद्योगिक विकास के साथ साथ, साथ समाज में अन्य परिपेक्ष्यों में भी देखा जाता है इसके पश्चात अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 1938 में बना था और उस समय का यह सबसे व्यापक अधिनियम था जहां पर सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना को बहुत विस्तृत में व्याख्या किया गया था और श्रमिकों को किन परिस्थितियों में कौन सी सुरक्षा मिलनी चाहिए और उन सुरक्षा के पीछे जो दर्शन है जो उसकी फिलॉसफ़ी है वो कहाँ से सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना से प्रभावित है इस पर बहुत चर्चा किया गया है इसके बाद अगर हम आज देखते हैं तो आज प्रत्येक देश में दुनिया के हर देशों में आज सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना किसी न किसी रूप में प्रचलित है और सामान्यतः यह सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना जो सामाजिक न्याय का एक वृहद दर्शन है उसके तहत प्रदान किया जाता है और जब हम औद्योगिक श्रम एवं औद्योगिक विधि की बात करते हैं तो श्रम एवं औद्योगिक विधि के अंतर्गत इस संकल्पना के माध्यम से हम श्रमिकों को कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देने का प्रयास करते हैं किसी भी राष्ट्र के लिए श्रमिकों को कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देना या फिर किसी भी समाज के लिए समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना बहुत ही आवश्यक है और इसी संदर्भ में इस संकल्पना का विकास होता है 1930 के दशक में यह यह शब्द बहुत प्रचलित हुआ बहुत लोकप्रिय हुआ लेकिन इस योजना के पीछे का अगर दर्शन हम देखें तो यह दर्शन बहुत पहले से ही सोसाइटी में समाज में व्याप्त रहा हुआ है जहाँ पर एक व्यक्ति या फिर समाज का एक कोई संस्था या फैमिली या परिवार दूसरे व्यक्ति के सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से उसे उसे आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का या अन्य प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उस समय तक की औद्योगिक जो जो विकास था वो रुक गया था और ढेर सारे उद्योगों को बंद करना पड़ा था और उद्योगों के बंद होने के साथ जब ये उद्योग उत्पादन प्रभावित हुआ तो ऐसे स्थिति में सामान्यतः वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों वहाँ काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक आर्थिक असुरक्षा की स्थिति पैदा हुई और इसी स्थिति से निपटने के लिए यह सामाजिक संकल्पना का सिद्धांत सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना का सिद्धांत बहुत प्रचलित हुआ और अगर हम अगर इसके विकास पर एक पैनी नज़र डालें तो हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रत्येक देशों में इसका विकास इस संकल्पना का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है और सरकार अपनी नीतियों के निर्धारण में सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना को महत्वपूर्ण स्थान देता है और उसके माध्यम से कर्मचारियों और श्रमिकों को जो कि उद्योग में काम कर रहे हैं उनके आर्थिक सुरक्षा के लिए प्रयास करता है सामाजिक सुरक्षा की योजना को आर्थिक प्रणाली की जोखिम के विरुद्ध एक सुरक्षा के रूप में देखा जाता है क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए उसके अस्तित्व के लिए एक आर्थिक सुरक्षा बहुत ही आवश्यक पहलू है और ऐसे में इस सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना के माध्यम से उस आर्थिक सुरक्षा को प्रदान करने का प्रयास किया जाता है और और यह सुरक्षा प्रदान किया जाना ही प्रत्येक प्रकार के जो सामाजिक सुरक्षा अधिनियम है सामाजिक सुरक्षा जो जो नीतियाँ हैं उसके निर्धारण के पीछे का एक महत्वपूर्ण पहलू है इन सभी नीतियों में इन सभी विधियों में सामाजिक सुरक्षा जो कि आर्थिक असुरक्षा के विरुद्ध एक सुरक्षा है उसको केंद्रित किया गया है ध्यान में रखा गया है अगर हम सामाजिक सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर थोड़ी सी नज़र डालें हमें ये पता चले कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यह सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना अपना बीज बोती है और एक सुदृढ़ संकल्पना के रूप में उधर के आती है तो ऐसे में हमको दो अंतर्राष्ट्रीय अभिव्यक्तियाँ मिलेंगी दो अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज मिलते हैं जहाँ पर सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना का हमें संदर्भ मिलेगा इसमें पहला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 26वां सत्र जो कि 1944 में फिलाडेल्फिया में आयोजित किया गया था 1944 के इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दो बातों पर एक सहमति बनी थी आम सहमति बनी थी उसमें एक था आय की सुरक्षा और दूसरा था चिकित्सा एवं देखभाल जब आप आय की सुरक्षा की बात करते हैं तो जो भी आ, आ, व्यक्ति आय के लिए कोई काम कर रहा है जो अपने श्रम का नियोजन कर रहा है और उस श्रम के नियोजन के माध्यम से अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए अपनी आय को बढ़ाना चाह रहा है या अपनी आय की शुरुआत कर रहा है ऐसे में उस व्यक्ति के लिए आय की सुरक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है अगर किसी व्यक्ति को जो कि उद्योग में कार्य कर रहा है उद्योगों में नियोजित है और ऐसे नियोजन के फलस्वरूप भी उसे पर्याप्त रूप से आर्थिक सुरक्षा नहीं मिलती है तो ऐसे में उस व्यक्ति का जो 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 संघर्ष है जीवन के प्रति वो बहुत बढ़ जाएगा इसी के साथ साथ ही इस, इस सम्मेलन में चिकित्सा एवं देखभाल पर भी एक आम सहमति बनी थी कि जितने भी श्रमिक हैं जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें चिकित्सा की सुविधा और साथ ही साथ देखभाल की सुविधा मिलनी चाहिए जिससे कि वह एक स्वस्थ जीवन जिए और उस स्वस्थ जीवन के आधार पर ही वो अपने आर्थिक आय को सुनिश्चित कर पाए वैसे भी अगर हम देखें तो किसी भी उद्योग के लिए अगर उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो एक स्वस्थ और सुदृढ़ कर्मचारी या फिर श्रमिक ही किसी उद्योग के लिए एक आवश्यक एसेट बन सकता है और उसके उत्पादन में उत्पादकों के उत्पादन में या फिर उसके औद्योगिक ग्रोथ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है तो ऐसे में जो चिकित्सा की व्यवस्था है जो श्रमिकों या कर्मचारियों के लिए चिकित्सा का प्रावधान है इसका भी एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है इसके साथ ही साथ जो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है जिससे हमें सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना को समझने में एक एक महत्वपूर्ण सहयोग मिलता है वह है अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक बीमा सम्मेलन 1947 सौ उन्नीस में अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक बीमा सम्मेलन ये सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया आ, और, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ बनाने की आ, एक एक प्रावधान पर आम सहमति बनी और और उस समय के जितने भी प्रतिनिधि थे उस संस्थाओं में जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या अन्य संस्थाएं हैं उनका यह मानना था कि सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना को एक, एक प्रतिरूप देने के लिए एक एक कार्यान्वयन का दृष्टिकोण देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ का होना आवश्यक है इस तरह से हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन घटकों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना का बहुत विस्तृत प्रसार होता है और और इसके साथ ही साथ जब हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी सामाजिक सुरक्षा की बात करता है और कहता है कि सामाजिक सुरक्षा एक ऐसी योजना है जो नागरिकों को बीमारी को रोकने के लिए उसे ठीक करने के लिए अन्य प्रकार के लाभ प्रदान करने के लिए या फिर कमाने में असमर्थ होने पर उनका समर्थन उन्हें सहयोग उन्हें लाभ प्रदान करने के लिए एक एक संकल्पना है हर उस व्यक्ति को जिसको किसी कारण से अपनी आय को सुनिश्चित करने में कठिनाई हो रही है जिसके कारण वह एक आर्थिक असुरक्षा की स्थिति से गुजर रहा है या उस दौर को फेस कर रहा है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के लिए सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना का महत्व बहुत ही बढ़ जाता है अब हम सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना पर एक एक संक्षिप्त व्याख्या करने के बाद परिचर्चा करने के बाद अब हम आते हैं सामाजिक सुरक्षा की परिभाषा हम सामाजिक सुरक्षा की परिभाषा का अध्ययन करके हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक सुरक्षा के नाम से कौन कौन से लाभ या कौन कौन से संरक्षण हैं जो श्रमिकों को या कर्मचारियों को प्राप्त हैं सामाजिक सुरक्षा जोखिम जो कि प्राकृतिक आपदाओं या विशेष रूप से बीमारी या सामाजिक या आर्थिक अवसाद के खिलाफ समाज द्वारा प्रदान की गई एक सुरक्षा है तो जहाँ तक इस संकल्पना की बात है सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना केवल और केवल उद्योग तक सीमित नहीं है सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना प्रत्येक समाज की एक अपरिहार्य दशा है और मेरा मानना है कि यह सामाजिक सुरक्षा की जो संकल्पना है समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है अगर हम सामाजिक सुरक्षा के विशेष परिभाषाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करें तो हमें परिभाषा मिलती है नुरुल हसन साहब की नुरुल हसन साहब का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा शब्द का उपयोग उस सुरक्षा के लिए किया गया जाता है जो समाज अपने सदस्यों को होने वाले जोखिमों के खिलाफ उचित संगठन के माध्यम से प्रदान करता है एक समाज की ज़िम्मेदारी है कि वह समाज अपने नागरिकों को जो कि कोई जोखिम उठा रहे हैं और सामान्यतः तो उसमें आर्थिक जोखिम है तो ऐसे स्थिति में अगर उनके समक्ष आर्थिक संकट आ रही है तो उस आर्थिक संकट की स्थिति में उन्हें सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से संस्था के द्वारा आ, एक एक मदद पहुंचाना है जिससे वो आर्थिक सुरक्षा से आ, प्रभावी ढंग से लड़ सके उससे निपट सके अगर ये सुरक्षा नागरिकों को प्रदान नहीं की जाती है तो अंततः समाज के लिए एक एक बहुत बड़ा नुकसान होगा इसके बाद ही अगर हम लॉर्ड बेबरिजिस के परिभाषा पर केंद्रित करें तो इनका कहना है कि सामाजिक सुरक्षा शब्द को आय की सुरक्षा के रूप में परिभाषित किया जाता है आय की सुरक्षा से तात्पर्य यहाँ पर है कि हर व्यक्ति जो आय का सोर्स रखता है उस सोर्स में कोई 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 बाधा न पड़े या फिर ऐसी कोई कठिनाई न आए कि उसका आय रुक जाए क्योंकि उसी आय के माध्यम से वह अपनी आर्थिक स्थिति या फिर अपनी आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाता है ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की आय रुक जाती है उसका इनकम रुक जाता है तो उसे बीमारी या दुर्घटना से लड़ने की स्थिति में भी सक्षम नहीं होता है या फिर जो असाधारण व्यय होते हैं जो उसकी परिवार पर या फिर उसके ऊपर आते हैं उसको भी वो पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाता है तो ऐसे में लॉर्ड बेवरेज साहब का मानना है कि जो सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना है वह मूल रूप से आय की सुरक्षा के लिए विकसित हुई है इसके साथ ही साथ अगर हम आ, कैसेडी की परिभाषा को देखें तो कैसेडी का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा शब्द को एक ऐसी योजना के रूप में परिभाषित किया जाता है जो विशेष रूप से आय रख रखाव या आय की सुरक्षा के उपायों को दर्शाती है कैसे किसी व्यक्ति के आय को सुनिश्चित किया जाए उसमें उत्पन्न होने वाली बाधाओं को रोका जा सके या फिर उसे न्यूनतम आय किस तरह से सुनिश्चित कर सके, उसके लिए इस संकल्पना का विकास होता है साथ ही साथ इस इस संकल्पना सामाजिक सुरक्षा की जो संकल्पना है इसका जो परिभाषा है वह उनके रखरखाव उनके मेंटेनेंस या फिर आय की सुरक्षा की भी बात करता है इस इस परिभाषा में भी हम देखते हैं कि आय की सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा की परिभाषा का एक घटक है और केवल एक घटक ही नहीं है यह एक महत्वपूर्ण घटक है जब भी हम सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं तो उस सामाजिक सुरक्षा में आर्थिक सुरक्षा ही उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है एक श्रमिक के संदर्भ में और कर्मचारी के संबंध में अगर हम भारतीय विद्वान वी वी गिरी की दी गई परिभाषा पर केंद्रित करें तो इनका कहना है कि सामाजिक सुरक्षा को एक ऐसी सुरक्षा के रूप में परिभाषित करते हैं जो राज्य उस जोखिम के खिलाफ प्रदान करता है जिसे छोटे साधनों वाले व्यक्ति स्वयं पूरा नहीं कर सकते इनका मानना है कि ये राज्य की जिम्मेदारी है वैसे भी जब एक राज्य लोक कल्याणकारी राज्य है तो ऐसे में उस राज्य की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि राज्य अपने सभी नागरिकों की देखभाल करे, उनके हितों को सुरक्षित करने का प्रयास करें ऐसे में वह व्यक्ति या वह समूह जिनका आय बहुत ही कम है या फिर वह एक छोटे से आय में गुजारा कर रहे हैं और असाधारण खर्चों को आ, उठाने में सक्षम नहीं है या फिर उनके उस छोटे से आय में कोई बाधा पड़ती है तो उनको दिक्कत होती है तो ऐसे में ये राज्य की जिम्मेदारी है कि ऐसे श्रमिकों ऐसे कर्मचारियों ऐसे लोगों को वह सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें और सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से उनका आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करें अगर हम ऊपर के परिभाषाओं पर केंद्रित करें और और एक, -एक समग्र रूप से हम परिभाषा देने का प्रयास करें या फिर आ, सामाजिक सुरक्षा को को समझने का प्रयास करें तो हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक सुरक्षा एक ऐसी सुरक्षा है जो समाज के द्वारा या फिर राज्य के द्वारा उन व्यक्तियों को प्रदान की जाती है जो अपने आय को सुरक्षित नहीं कर पाते हैं या फिर जिनकी आय कम है और वह अपने जो अत्यंत अपरिहार्य खर्चे हैं उनके रख रखाव के या फिर शिक्षा के या फिर स्वास्थ्य के जो खर्चे हैं उसको भी पूरा नहीं कर पाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को दिया जाने वाला कोई भी जो आर्थिक मदद है आर्थिक सुरक्षा है वह सामाजिक सुरक्षा के इस परिभाषा में आ, समाहित हो सकता है सामाजिक सुरक्षा को अगर हम देखें तो इसमें बीमारी मातृत्व विकलांगता चिकित्सा आश्रित्व का देखभाल अंतिम संस्कार रोजगार सुरक्षा और जोखिमों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने का उपाय दिया गया है ये ऐसे जोखिम हैं जो जो अचानक से आ, व्यक्तियों को फेस करने पड़ते हैं सामना करना पड़ता है और ऐसे में कम आय वाले लोग उसको निर्वहित नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना का जो महत्व है वो बहुत बढ़ जाता है इसके साथ ही साथ इस इस संकल्पना में हम सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना में स्वास्थ्य सुरक्षा कल्याण और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम करने के घंटों से संबंधित विभिन्न सुरक्षा उपायों को शामिल करते हैं और इसके माध्यम से हम एक एक कर्मचारी के एक श्रमिक के आ, आ, उचित स्वास्थ्य की व्यवस्था और और उसके माध्यम से उसे अपना आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक अवसर देने का प्रयास करते है। नहीं। नहीं हैं, हैं। सामाजिक सुरक्षा के घटक कौन कौन से घटक हैं या कौन कौन से कारक हैं जो सामाजिक सुरक्षा को निर्धारित करते हैं अगर हम सामाजिक सुरक्षा के घटकों पर ध्यान दें तो सामाजिक सुरक्षा के घटकों को दो भागों में बांटा जा सकता है पहला है सामाजिक सुरक्षा के परंपरागत घटक और दूसरा है सामाजिक सुरक्षा के आधुनिक घटक सर्वप्रथम हम सामाजिक सुरक्षा के जो परंपरागत घटक हैं उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे उसको समझने का प्रयास करेंगे सामाजिक सुरक्षा के जो पारंपरिक घटक हैं उसमें दो पहलू हैं एक को कहते हैं सामाजिक बीमा और दूसरा है सामाजिक सहायता व्यक्तियों को जो सामाजिक सुरक्षा प्रदान है वो सामाजिक सुरक्षा या तो सामाजिक बीमा की संकल्पना पर आधारित हो सकता है या फिर सामाजिक सहायता की आ, 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 संकल्पना पर आधारित हो सकता है सामाजिक बीमा की संकल्पना में जो कोई भी लाभ ऐसे किसी व्यक्ति को दिया जाता है यह बीमा की संकल्पना पर आधारित होता है अर्थात इस संकल्पना में कम आय वाले व्यक्तियों को यह सुरक्षा दी जाती है कि वह बीमा के माध्यम से अपने जो जो आ, अनिश्चित या फिर आवश्यक खर्चे आ रहे हैं उससे निपटने में उनको सक्षम बनाया जाए ऐसे में जो बीमा की संकल्पना है कि एक श्रमिक को एक कर्मचारी का एक एक बीमा किया जाएगा और उस बीमा का जो प्रीमियम होगा उसका जो पे भुगतान होगा वह उस कर्मचारी और उसके नियोक्ता या फिर राज्य के अंशदान पर आधारित होगा और इस अंशदान के माध्यम से उस कर्मचारी को उस श्रमिक को एक सामाजिक सुरक्षा देने का प्रयास किया जाएगा सामाजिक बीमा सामान्यतः तो छोटी आय वाले व्यक्तियों को लाभ प्रदान करने के लिए होता है और यह अधिकार के रूप में इन्हें प्रदान किया जाता है जो बीमा धारक के योगदान को नियोक्ताओं और राज्य से सब्सिडी के साथ जोड़ता है और तत्पश्चात कर्मचारियों को श्रमिकों को अधिकार के रूप में एक लाभ प्रदान करने का प्रयास करता है सामाजिक बीमा को बीमारी मातृत्व विकलांगता बुढ़ापा कमाने वाले की मृत्यु बेरोजगारी आपातकालीन व्यय और रोजगार चोटों सहित विभिन्न आवश्यकताओं के लिए अपनाया जाता है सामाजिक बीमा योजनाओं के तहत लाभ बीमित व्यक्तियों पर बाध्यकारी है जैसा हमने आपसे कहा कि यहाँ पर जो संकल्पना है वो बीमा की संकल्पना है और बीमा की संकल्पना में उस उसका लाभ उसी व्यक्ति को मिलता है जिसका इंश्योरेंस हुआ है जिसकी बीमा हुई है तो यहाँ पर संकल्पना यह है उद्योगों में कि आपको आवश्यक रूप से बाध्यकारी रूप से बीमित किया जाएगा और उस बीमा के माध्यम से आपको एक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा ऐसे में यह जो आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है इस आर्थिक सुरक्षा के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है वह आवश्यकता है कि वह जो बीमित श्रमिक या कर्मचारी है उसको उस उस बीमा के प्रीमियम का एक अंशदान देना होगा लेकिन यह अंशदान भी एक छोटा अंशदान होता है सामान्यतः इस अंशदान को नियोक्ता के द्वारा या फिर राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है तो इसके माध्यम से कर्मचारी को एक आर्थिक सुरक्षा देने का प्रयास किया जाता है दूसरी तरफ जब हम सामाजिक सहायता की बात करें जो कि एक दूसरा आ, 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 परंपरागत घटक है सामाजिक सुरक्षा का सामाजिक सहायता द्वारा राज्य ऐसे सदस्यों को नगद सहायता और चिकित्सा लाभ प्रदान करने का प्रयास करता है या एक एक माध्यम अपनाता है जो अपने संसाधनों से उन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते या फिर यह भी हो सकता है कि जो जो समाज में वृद्ध व्यक्ति या या विधवा महिलाएं हैं वो किसी नियोजन में कार्य ना कर रहे हों तो तो सामान्यतः यह देखा जाता है कि जो सामाजिक बीमा की आ, आ, की संकल्पना है उसका लाभ उन व्यक्तियों को मिल पाता है जो कि एक कर्मचारी के रूप में या एक श्रमिक के रूप में कहीं पर नियोजित हैं लेकिन समाज में ऐसे लोग भी हैं वृद्ध व्यक्ति विधवा या फिर अन्य लोग हैं समाज में जिनका कोई आय का स्रोत नहीं है और इन जिनका कोई नियोजन नहीं है और नियोजन ना होने के कारण इनको सामाजिक बीमा से दूर रखा जाता है उसके माध्यम से कोई आर्थिक सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है ऐसे में जो सामाजिक सहायता की संकल्पना है एक लोक कल्याणकारी का राज, उस सामाजिक सहायता के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों को एक एक सुनिश्चित सहायता नगद राशि के रूप में या चिकित्सा के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करता है अगर हम देखें तो वृद्ध लोग या फिर जो विधवा महिलाएं हैं ये लोग सामाजिक बीमा योजना के तहत बीमिकृत नहीं हैं और उन्हें विशेष रूप से भरण पोषण के लिए दूसरों पर आश्रित होता होना होता है तो उनके इस डिपेंडेंसी को दूर करने के लिए स्टेट है वह एक सामाजिक सहायता के की नीति के, के, के माध्यम से उन्हें सामाजिक सहायता दे करके उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास कर सकता है अगर हम आई के द्वारा निर्धारित प्रावधानों पर देखें तो जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है वो कहता है कि सामाजिक सहायता योजना को उस योजना के रूप में परिभाषित किया जाता है जो न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में अधिकार के रूप में दिए गए छोटे साधनों के व्यक्तियों के लिए राह प्रदान करती है और यह सामान्यतः कराधान से वित्त पोषित होता है जो सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना है इसके लिए पूरा का पूरा खर्च जो आर्थिक जो भार है वो राज्य पर पड़ता है और राज्य इसके लिए जो कराधान है उससे एकत्र जो उसके पास राजस्व है उसके माध्यम से धन जुटाता है और उसको खर्च करता है तो सामाजिक सहायता के संदर्भ में हम ये देखते हैं कि लाभ पाने वाले व्यक्तियों का कोई नहीं होता है। यह उन्हें एक-एक सहायता के रूप में राज्य के द्वारा पूर्णता प्रदान किया जाता है और इनका किसी भी उद्योग में नियोजित होना या पर कहीं पर काम करना आवश्यक नहीं है सामाजिक सहायता इस विचार को रेखांकित करती है कि गरीबों की देखभाल को स्वैच्छिक दान पर नहीं छोड़ा जा सकता अगर हम ये कहें कि राज्य में जितने लोग गरीब हैं वह किसी की इच्छा पर किसी की स्वैच्छिक दान पर डिपेंडेंट होंगे उस पर आश्रित होंगे तो यह आश्रय कब हट जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है तो ऐसे में राज्य की ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इन्हें दूसरे के एक स्वैच्छिक दान पर ना छोड़ा जाए बल्कि इनको राज्य के द्वारा एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाए जिसके माध्यम से ये अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो सके सामाजिक सुरक्षा की अगर हम आधुनिक घटक को देखें तो जो परंपरागत घटक हैं उसमें सामाजिक बीमा और सामाजिक सहायता है और उसके माध्यम से नीतियों का विकास किया जाता है नीतियों का निर्धारण किया जाता है और और उस संदर्भ में श्रमिकों को कर्मचारियों को या तो सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से सामाजिक बीमा के माध्यम से या फिर अन्य व्यक्तियों को सामाजिक सहायता के माध्यम से एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है लेकिन अगर हम वर्तमान समय में सामाजिक सुरक्षा के जो जो आधुनिक घटक हैं इसकी चर्चा करें तो ढेर सारे ऐसे पहलू हैं ढेर सारे ऐसे घटक हैं जो आधुनिक आ, समय में जो जुड़े जुड़ रहे हैं वह हैं श्रमिकों की मजदूरी पर निर्भरता हम सभी जानते हैं कि जो श्रमिक होता है वह अपने पूरी और उसकी पूरी की पूरी निर्भरता केवल और केवल उसके उस श्रम का जो कीमत है उसी पर होता है वह अपने श्रम पर ही आधारित होता है और उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार उसके श्रम पर ही आधारित होता है तो ऐसे में अगर किसी श्रमिक का श्रम वापस ले लिया जाए या श्रम में कोई बाधा उत्पन्न हो जाए वह अपना श्रम कंटिन्यू ना कर पावे और ऐसे में उसका जो 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 आय है उसकी जो आय है वह बाधित होती है वह रुक जाती है तो ऐसे में पूरे परिवार के लिए एक एक चुनौती उत्पन्न हो जाती है तो तो आधुनिक समय में ये देखा जाता है कि जो माइग्रेट होकर के वर्कर एक शहर से दूसरे शहर काम करने जाते हैं वह पूरी की पूरी तरह से अपने उस न्यूनतम आय अपने उस उस छोटे से आय पर ही निर्भर होते हैं और और उसमें सामाजिक सुरक्षा या तो सामाजिक बीमा के माध्यम से या फिर सामाजिक सहायता के माध्यम से नहीं मिल पाता है और उनके लिए अनेक चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं इसके साथ ही साथ जो हम बाल श्रम की संकल्पना को देखते हैं तो अतिरिक्त आय के स्रोत के रूप में आ, आ, बाल श्रम की संकल्पना का उदय होता है श्रमिक जिसे जिसकी स्रोत बहुत निम्न है जो अपने आय के स्रोत से अपने परिवार का देखभाल नहीं कर पा रहा है उसके लिए ये कोई बुराई नहीं है कि वह अपने बच्चे को भी श्रम में लगाए और उसके माध्यम से अपने आय को बढ़ाने का प्रयास करे तो ऐसे में एक आधुनिक घटक के रूप में बाल श्रम का भी उदय होता है और यह उदय केवल इसलिए होता है कि उस श्रमिक को उसके परिवार को पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा नहीं मिल पाती है इसके साथ ही साथ जब भी आर्थिक संकट आता है जब भी आ, आ, किसी देश या फिर वैश्विक स्तर पर आर्थिक संकट आता है या अन्य प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं जहाँ पर एक श्रम को वापस ले लिया जाता है और एक श्रमिक बेरोजगार हो जाता है तो ऐसे में उस श्रमिक के लिए यह कठिन हो जाता है कि कैसे वह अपने अस्तित्व को बचाए उसके पास खाने के लिए रहने के लिए अन्य खर्चों के लिए कोई आय नहीं है और ऐसे में ऐसे व्यक्ति के लिए सामाजिक सुरक्षा या तो सामाजिक बीमा के रूप में या फिर सामाजिक सहायता के रूप में पर्याप्त नहीं हो पाती है तो यह एक आधुनिक घटक आ, आ, आधुनिक समय में विकसित हुआ है इसके साथ ही साथ यह भी देखा जा रहा है कि बेरोजगारी बढ़ने के कारण या फिर जो श्रम है उसकी अत्यधिक उपलब्धता के कारण सभी लोगों को श्रम नहीं मिल पाता है सभी श्रमिकों को श्रम नहीं मिल पाता है और जिन श्रमिकों को श्रम नहीं मिल पाता है उनको उनके श्रम का कीमत नहीं मिलता है उनकी आय नहीं होती है और उनको आर्थिक असुरक्षा की सामना करना पड़ता है तो ऐसे में देखा जाता है कि यहाँ पर जो सामाजिक सहायता या सामाजिक बीमा की संकल्पना है जो सामाजिक सुरक्षा की एक परंपरागत संकल्पना है वह असफल प्रतीत होती है और ऐसे श्रमिकों को उससे कोई लाभ नहीं मिल पाता है अगर हम श्रम पर बने राष्ट्रीय आयोग की बात करें भारत सरकार ने श्रम पर पहला राष्ट्रीय आयोग उन्नीस में बनाया था और जिसने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को उन्नीस में प्रस्तुत किया था श्रम पर इस प्रथम राष्ट्रीय आयोग ने सामाजिक सुरक्षा उपायों के जीवन के तनाव के बीच स्थिरता और सुरक्षा का एक तत्व तो पेश किया है इस आ, आयोग की यह संस्तुति थी कि सामाजिक सुरक्षा को श्रमिकों के उस उस जीवन और साथ ही साथ उससे उसकी असुरक्षा या फिर उत्पन्न होने वाले तनाव के बीच एक सामंजस्य बनाने की कड़ी के रूप में देखा जा सकता है और इसके माध्यम से श्रमिकों के जीवन या फिर निम्न आय कम आय वाले जो कर्मचारी हैं श्रमिक हैं उनके जीवन को थोड़ा सा अच्छा बनाया जा सकता है और जहाँ तक भारत की बात है तो भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है और लोक कल्याणकारी राज्य की एक आवश्यकता है कि वह इस दिशा में सार्वजनिक नीति का निर्धारण करे और उस नीति में एक प्रमुख पहलू यह हो कि कैसे आ, ऐसे व्यक्तियों को जिनकी आय बहुत निम्न है या नहीं है उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जा सके भारत में सामाजिक सुरक्षा अगर हम भारत में सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना को जानने का प्रयास करें या फिर इसके घटकों को देखते हैं तो तो भारतीय समाज में जो संयुक्त परिवार की संकल्पना है इसको एक सामाजिक सुरक्षा के अवयव के रूप में देखा जाता है समाज में अनेका अनेक परिवार ऐसे हैं जहाँ पर एक लोग का आय का स्रोत है और पूरा का पूरा परिवार उस पर आश्रित है और और उस एक आय स्रोत से पूरा परिवार अपना निर्वहन कर रहा है और ऐसा निर्वहन संयुक्त परिवार की संकल्पना का एक आवश्यक पहलू है अतः अगर हम भारत में देखें तो सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना हमारे परिवार से उत्पन्न होती है उद्योग में ये बाद में आता है हमारे परिवार में ये पहले दिखता है वैसे भी जब हम कौटिल महान दार्शनिक कौटिल के अर्थशास्त्र पर नज़र डालें तो उन्होंने सामाजिक सुरक्षा के दर्शन की शुरुआत का एक मार्गदर्शक उदाहरण अपनी अपनी पुस्तक में दिया है अर्थशास्त्र में दिया हुआ है औ, और और वह जो मार्गदर्शक घटक है वह परिवार की संकल्पना से संबंधित है उनका यह मानना था कि राज्य को गरीबों गर्भवती महिलाओं नवजात शिशुओं अनाथ वृद्ध अशक्तों और असहायों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए अगर एक राज्य अपने राज्य में रहने वाले गरीबों को गर्भवती महिलाओं को नवजात शिशुओं को अनाथ वृद्ध या अन्य अशक्त व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहा है तो उनकी नज़र में कौटिल्य की नज़र में यह ऐसा एक, एक, एक राष्ट्र एक असफल राष्ट्र माना जाएगा तो राष्ट्र के लिए एक परम कर्तव्य है उस पर एक जिम्मेदारी है कि इन सभी लोगों की सुरक्षा का वो ख्याल रखें इस मामले को देखने के लिए भारत में इस मामले को देखने के लिए उन्नीस में रॉयल कमीशन ऑन लेबर नियुक्त किया गया था और रॉयल कमीशन ऑन लेबर ने भारत में सामाजिक सुरक्षा की परिस्थिति और कैसे सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना को विकसित किया जाए उस पर ध्यान केंद्रित किया और अगर अगर हम देखें तो आज़ादी के पश्चात योजनाबद्ध तरीके से भारत में सामाजिक सुरक्षा विधियों का विकास हुआ है जैसा हमने पूर्व में देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब जब दुनिया को यह आ, आ, महसूस हुआ कि सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना उद्योगों के विकास के लिए श्रमिकों के आर्थिक सुरक्षा के लिए अपरिहार्य है तो ऐसे में हर एक देश में सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना का आ, बहुत तेज़ी से विकास होता है और उसी कड़ी में भारत में भी स्वतंत्रता के पश्चात सामाजिक सुरक्षा अधिनियम का विकास होता है लेकिन भारत में जो जो विधियाँ बनी हैं जिसको हम सामाजिक सुरक्षा अधिनियम की श्रेणी में रखते हैं उसमें अनेका अनेक विधियाँ स्वतंत्रता से पूर्व ही बनाई गई थी और आज भी ये विधियाँ भारत में लागू हैं और उसके माध्यम से किसी विशिष्ट श्रमिक संघ को या फिर कर्मचारियों के एक समूह को एक एक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया जाता है यह माना जाता है कि स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात का जो विकास भारत में रहा हुआ है सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में यह विकास भारत भारत के अंदर सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना को विश्व के उन्नत देशों की श्रेणी में ला कर रखता है और भारत किसी भी मामले में उस दौर में भी उन्नत देशों से इस इस मामले में कम नहीं था कि भारत में सामाजिक सुरक्षा की उपलब्धता नहीं है अगर हम भारतीय संविधान के तहत सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना को देखें और कैसे भारतीय संविधान जो कि इस देश के लिए एक एक सर्वोच्च विधि है दस्तावेज है जिससे कि नीति का निर्धारण किया जा रहा है उस संविधान में भारतीय संविधान में कैसे सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना को सुनिश्चित किया गया है इसके लिए अगर हम देखें तो सबसे पहले हमको संदर्भ मिलता है भारतीय संविधान के भाग तीन के अनुच्छेद तेईस और चौबीस में जहाँ पर श्रम की सुरक्षा को 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 सम्मिलित किया गया है और बाल श्रम को रोकने के लिए या फिर खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है तो ऐसे में आप देखते हैं कि केवल आर्थिक सुरक्षा ही नहीं स्वास्थ्य की सुरक्षा और अन्य प्रकार की सुरक्षाओं के लिए कुछ प्रकार के श्रमों को पर यहाँ पर रोका गया है उसको प्रतिसिद्ध किया गया है और उसका उदाहरण हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में मिलता है हम सभी जानते हैं कि भारत में नीति निर्धारण के लिए जो जो सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक उपबंध है वह भारतीय संविधान के भागचार में मिलता है और भारतीय संविधान के भागक्षार में जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई है और यहाँ पर हम संक्षिप्त में उन उपायों को रखने का प्रयास करते हैं भागचार के तहत ढेर सारी नीतियों का यहाँ पर निर्धारण किया जाना और उस नीतियों के निर्धारण में कुछ सिद्धांतों का सम्मिलित किया जाना आवश्यक है और उन सिद्धांतों में सामाजिक सुरक्षा के सिद्धांत निम्नलिखित है पहला जब हम अनुच्छेद 38 को देखते हैं जहाँ पर राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित रखेगा सुरक्षित करेगा इसकी एक जिम्मेदारी अधिरोपित की गई है भारत सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वह राज्य के लोगों के कल्याण के लिए और उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा तो आ, अगर हम देखें तो संवैधानिक प्रावधानों के तहत जो भारत के नागरिक हैं उनको जो सुरक्षा प्रदान की गई है इस संविधान के तहत इसके माध्यम से भारत सरकार को एक एक दायित्व अध्यूपित किया गया है कि आप राज्य के सभी नागरिकों की सुरक्षा का देखभाल करेंगे वैसे भी राज्य की संकल्पना का उदय ही इसी संदर्भ में होता है कि राज्य अपने नागरिकों अपने व्यक्तियों की सुरक्षा का देखभाल करेगा और उसके माध्यम से व्यक्ति राज्य के दिशा निर्देशों को उसके उसके विधियों को उसके नीतियों को मानने के लिए सहमत होंगे इसके पश्चात हम देखते हैं कि अनुच्छेद उनतालीस और उनतालीस ए के माध्यम से समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है हम सभी जानते हैं और जैसा प्रचलित भी है समाज में एक ही काम के लिए पुरुषों को ज़्यादा कीमत दिया जाना महिलाओं को कम कीमत दिया जाना किसी न किसी तरह से महिलाओं की जो आर्थिक सुरक्षा का पहलू है उसको नज़रअंदाज करना है तो ऐसे में राज्य के ऊपर यह भी जिम्मेदारी अधिरूपित की गई है कि वह समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करेगा अर्थात अगर अगर किसी किसी उद्योग में श्रमिकों का नियोजन हुआ है और उन श्रमिकों में महिलाएं और पुरुष दोनों हैं तो दोनों के लिए समान वेतन का निर्धारित किया जाना आवश्यक है जिससे कि दोनों व्यक्ति महिला और पुरुष अपने अपने आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाए अगर किसी श्रमिक को या फिर श्रमिकों के एक समूह को जो महिला हैं पुरुष हैं किसी आधार पर अगर अगर समान वेतन नहीं दिया जाता है तो ऐसे में उनके समक्ष एक एक आ, कठिन आर्थिक असुरक्षा का की स्थिति पैदा होगी और ऐसे में आ, ये राज्य के ऊपर एक एक प्रश्न चिन्ह आ जाएगा कि क्यों इन लोगों के साथ एक समान व्यवहार नहीं किया जाता है। वैसे भी जब हम संविधान की प्रस्तावना को देखते हैं तो वहाँ पर समानता की संकल्पना को सम्मिलित किया गया है तो जब हम समानता की संकल्पना की बात करते हैं तो समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना उस समानता की संकल्पना का एक वृहद रूप है इसके पश्चात जब हम अनुच्छेद 42 पर नज़र डालते हैं तो वहां पर आपको काम की उचित और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत का प्रावधान मिलता है अगर हम उद्योगों में काम करने वालों की परिस्थिति पर नज़र डालें वो किन परिस्थितियों में उद्योग में काम करते हैं क्या उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों और कर्मचारियों को जो जो आ, स्थान जिन स्थान पर कार्य करना है क्या वह स्थान मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करता है कि नहीं कहीं ऐसा तो नहीं श्रमिक या कर्मचारी अमानवीय परिस्थितियों में काम कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए तो उनकी मजबूरी है अपनी आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना उस आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए वह अपने आय को सुनिश्चित करना चाह रहे हैं और आय को सुनिश्चित करने के लिए वह काम कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह अमानवीय परिस्थितियों में भी काम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं अगर ऐसा है तो इसे सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना के विरुद्ध माना जाएगा और भारत के संविधान के माध्यम से अनुच्छेद बयालीस के माध्यम पर राज्य पर यह एक दायित्व अधिरोपित किया गया है कि राज्य यह सुनिश्चित करे कि कार्य की जो परिस्थितियां हैं वह मानवीय परिस्थितियों के अनुकूल हैं या नहीं है इसके लिए हमें प्रावधान कारखाना अधिनियम 1948 में देखने को मिलता है साथ ही साथ मातृत्व राहत का प्रावधान अगर एक महिला श्रमिक है और महिला श्रमिक अगर अगर नवजात शिशु को जन्म देती है बच्चे को जन्म देती है तो क्या ऐसे में उसे कोई मातृत्व लाभ या मातृत्व राहत प्रदान किया जाता है कि नहीं किया जाता है अगर हम देखें तो भारत सरकार ने उन्नीस में मातृत्व लाभ अधिनियम पारित किया है और उसके माध्यम से महिला कर्मचारियों को महिला श्रमिकों को एक निश्चित समय के लिए आ, वेतन के साथ अवकाश का प्रावधान किया गया है लेकिन समस्या यह है कि क्या यह प्रावधान उन श्रमिकों पर लागू होता है कि नहीं जो कि एक असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं जहां पर नियोक्ता और श्रमिक के बीच में कोई आ, एक 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 नियोजन की संविधा नहीं है और केवल आ, कार्य करने के लिए कार्य किया जा रहा है और और एक वेतन का भुगतान किया जा रहा है ऐसी स्थिति में राज्य की जिम्मेदारी बढ़ जाती है इसके पश्चात अगर हम अनुच्छेद तिरालीस और तिरालीस ए पर नज़र डालें तो श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी और उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी की भी बात की जाती है जब आप श्रमिकों की बात करते हैं और श्रमिकों के लिए उनकी जो मजबूरी है उसकी बात करते हैं तो प्रश्न यह है कि क्या उनकी मजदूरी उनका जो जीवन निर्वाह करने का जो मिनिमम खर्चा है जो न्यूनतम खर्च है उसको पूरा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है तो ऐसे में श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी का होना बहुत आवश्यक है अर्थात राज्य को यह न्यूनतम मजदूरी कितनी होगी किसी भी नियोजन में किसी भी श्रम में किसी भी उद्योग में न्यूनतम मजदूरी क्या होगी उस न्यूनतम मजदूरी को राज्य को निर्धारित करने के लिए आगे आना होगा और भारत सरकार ने विधि बना करके इसको निर्धारित करने का भी प्रयास किया हुआ है लेकिन वह अधिनियम केवल कुछ ही उद्योगों में लागू होता है तो यह भी एक एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का एक एक तरीका हुआ जहाँ राज्य के माध्यम से न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया जाएगा इसके पश्चात जब हम औद्योगिक लोकतंत्र की बात करते हैं और और किसी भी उद्योग में श्रमिकों या फिर कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो उनका अगर प्रतिनिधित्व तो नहीं है तो उनके जो व्यूज़ हैं उनके जो आ, 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 मांगे हैं या फिर उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसको उचित तरीके से नहीं समझा जा सकता है तो ऐसे में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना भी एक आवश्यक पहलू है जिसके माध्यम से सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है इसके पश्चात हम देखें तो सामाजिक सुरक्षा संहिता दो जो कि अभी लागू नहीं हुआ है इसके नियम अभी बनाए जा रहे हैं और और भारत में बहुत ही आ, आने वाले समय में भारतीय सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 लागू किया जा सकता है और इस संहिता के माध्यम से श्रमिकों को आ, सामाजिक सुरक्षा एक विस्तृत अर्थ में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है इसके लिए श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की व्यापक उपलब्धता और प्रवर्तन के लिए भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 बनाया है यह संहिता पूर्व के अनेक अधिनियमों अगर हम उस उस पर एक, एक चर्चा करें उदाहरण के रूप में तो पूर्व में भारत सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम या फिर मजदूरी भुगतान अधिनियम या फिर आ, कर्मचारी आ, प्रतिकर अधिनियम मातृत्व लाभ अधिनियम या फिर पेंशन अधिनियम ऐसे ढेर सारे अधिनियम भारत सरकार के द्वारा पारित किए गए हैं लागू किए गए हैं जिनके माध्यम से श्रमिकों को कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा और विस्तृत अर्थ में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का उपबंध किया गया है उन सभी आ, सामाजिक सुरक्षा अधिनियमों को एकत्रित करके एक जगह ला करके आ, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के माध्यम से भारत सरकार यह प्रयास कर रही है कि, कि सारे प्रावधान एक जगह करके और उसके माध्यम से चाहे वो संगठित क्षेत्र हो चाहे वह असंगठित क्षेत्र हो दोनों क्षेत्रों में श्रमिकों को कर्मचारियों को या फिर अन्य व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है और अगर हम इस पे नज़र डालें तो आ, आ, जो ई श्रम का जो पंजीकरण हो रहा है ई श्रम का जो पोर्टल है उस पर जो श्रमिकों का पंजीकरण हो रहा है जो कि असंगठित क्षेत्र से आते हैं औ, और और पंजीकरण के पश्चात एक एक न्यूनतम अंशदान के पश्चात उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाना है ऐसे में पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेज़ी से प्रगति हुई है जब हम ये देखते हैं कि लगभग 30 करोड़ लोगों का 30 करोड़ असंगठित श्रमिकों का उस पर पंजीकरण हो चुका है तो यह प्रयास एक सराहनीय कदम है और इसके माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कितने श्रमिक हैं जो असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं जैसे भारत की जो औद्योगिक व्यवस्था है उस औद्योगिक व्यवस्था में जितने भी श्रमिक जो स्रोत है श्रमिक स्रोत जो है जो 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 ह्यूमन रिसोर्स है मैन पावर है उसमें लगभग छियासी परसेंट श्रम के स्रोत हैं वो असंगठित क्षेत्र से आते हैं और माना यह जाता है कि जो सरकार के द्वारा अभी तक विधियां बनाई गई थी या बनाई गई हैं उनका लाभ केवल और केवल उन्हीं कर्मचारियों या श्रमिकों को मिल पाती हैं जो कि आ, एक संगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं असंगठित क्षेत्र में इन इन आ, श्रमिकों को कर्मचारियों को इन विधियों का लाभ नहीं मिल पा रहा तो ऐसे में यह प्रयास सराहनीय है कि कि पंजीकरण के माध्यम से पहले यह पता लगाया जाए कि कितने श्रमिक हैं जो असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और उनसे एक न्यूनतम अंशदान लेकर के उनको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक एक प्रयास करना और उसके लिए नीति बनाना सराहनीय है इसके पश्चात जैसा हम कह रहे हैं कि यह संहिता संगठित और असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए साम, सभी सामाजिक पूर्व की सभी सामाजिक सुरक्षा विधियों को समाहित करती है इसके पश्चात इस अधिनियम के लागू होने के पास इस संहिता के लागू होने के पश्चात आ, सारी विधियों को एक एक समग्र रूप में एक जगह प्रावधानित किया जाएगा और उसके माध्यम से एक एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा हम जैसा मैंने अभी चर्चा किया कि इस संहिता का अभी प्रवर्तन नहीं हुआ है आंशिक रूप से इसको प्रवर्तित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है और इसके साथ ही साथ भारत सरकार ने औद्योगिक संबंध संहिता या फिर वेज संहिता मजदूरी संहिता या फिर सुरक्षा संहिता भी पास किया हुआ है अगर ये पूरी संहिताएँ चारों संहिताएँ एक साथ लागू हो जाती हैं तो जो श्रम और औद्योगिक विधि का भारत में अभी तक का विकास है उसमें एक आमूल चूल परिवर्तन होगा और उसके माध्यम से श्रमिकों के हितों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा उन्हें आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा के माध्यम से एक सामाजिक सुरक्षा देने का प्रयास किया जाएगा हमें यह भी पता है कि इस संहिता के प्रवर्तन में ढेर सारी चुनौतियाँ हैं लेकिन इसके प्रवर्तन के पश्चात भारतीय सामाजिक सुरक्षा विधियाँ और व्यापक हो जाएंगी और इसके माध्यम से संगठित क्षेत्र के साथ साथ असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल पाएगा ऐसे में यह जानना कि, कि वह कौन से नए विकास हो रहे हैं जहाँ पर श्रम विधियों का औद्योगिक विधियों का लागू होना आवश्यक है जैसे हम देखते हैं कि आज तकनीकी के विकास के साथ साथ जो एक ऑनलाइन -एक माध्यम से एक एक उद्योग का डेवलपमेंट हो रहा है विकास हो रहा है जहाँ पर लोग कार्य कर रहे हैं तो ऐसे श्रमिकों को वहाँ पर काम करने वाले ऐसे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोगों को क्या सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाएगा क्या वह पूर्व के सामाजिक सुरक्षा विधियों में या फिर आने वाली लागू होने वाली सामाजिक संहिता के तहत कोई सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं इस पे विचार करना हमारे लिए आवश्यक है हम सभी जानते हैं कि भारत में आ, आ, श्रम एवं औद्योगिक विधियों का एक एक बहुत बड़ा जाल रहा हुआ है और और विभिन्न उद्योगों के संदर्भ में विभिन्न कर्मचारियों और श्रमिकों के समूहों के संदर्भ में विभिन्न विधियां बनाई गई हैं और उन विधियों में आपस में सामंजस्य की कमी रही हुई है ऐसे में यह संहिता यह सुनिश्चित कर सकता है कि कैसे श्रम एवं औद्योगिक विधि से संबंधित सारी विधियों को एक जगह पर एकत्रित करके और उसमें सामाजिक सुरक्षा का जो अवयव है उसको एकत्रित करके एक साथ लेकर के आगे बढ़ना और उसका लाभ अधिकतम श्रमिकों को कर्मचारियों को प्रदान करना कितना आवश्यक है पूर्व में भारत में आ, लगभग 50 विधियां रही हुई हैं जो श्रम एवं औद्योगिक विधि के नाम से जानी जाती हैं और अब इस संहिता के माध्यम से उसमें से लगभग 30 विधियों को संहिताबद्ध किया गया है और उसमें से जो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली विधियां चार या पांच विधियां महत्वपूर्ण विधियां रही हैं उनको सामाजिक संहिता दो के माध्यम से एकत्रित किया गया है एक जगह किया गया है और उसको किया गया इस व्याख्यान के अंत में सारांश के रूप में हम आ, देखते हैं कि हमने इस व्याख्यान में सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना को जानने का प्रयास किया और कैसे यह संकल्पना उन व्यक्तियों के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या फिर जो जिनका जो आय का स्रोत है वो बहुत छोटा है और जो अपनी आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं इस व्याख्यान में हमने सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना की उत्पत्ति को जानने का प्रयास किया और हमने देखा कि इसकी उत्पत्ति कहीं न कहीं आर्थिक विश्व पटल पर जो आर्थिक मंदी हुई वहीं से देखने को आता है लेकिन भारत में यह संकल्पना पूर्व में ही परिवार की संकल्पना में पाई जाती है इसके पश्चात हमने सामाजिक सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों का अध्ययन किया जिसके माध्यम से हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सुरक्षा के विकास संकल्पना के विकास को जानने का प्रयास किया हमने सामाजिक सुरक्षा के अर्थ और महत्व को जानने का प्रयास किया तथा सामाजिक सुरक्षा के परंपरागत और आधुनिक घटकों को भी हमने जाना वो कौन से घटक हैं जिसके आधार पर जिसके माध्यम से राज्य सामाजिक बीमा या सामाजिक सहायता प्रदान करता है और कौन कौन से आधुनिक घटक हैं जो उस सामाजिक बीमा और सामाजिक सहायता को अपर्याप्त अशुद्ध करने पर भूमिका निभा रहे हैं इसके पश्चात हमने भारत में सामाजिक सुरक्षा की उत्पत्ति और इसकी प्रस्तुति को जानने का प्रयास किया और किस तरह से एक बड़ा वर्ग जो असंगठित क्षेत्र या फिर असंगठित श्रम कहलाता है उनको कैसे सामाजिक सुरक्षा से दूर रखा गया है वंचित रखा गया है उसको हमने देखा इसके साथ ही साथ अंत में हमने भारतीय संविधान के तहत सामाजिक सुरक्षा के जो विभिन्न उपाय हैं उसको जाना और उस संदर्भ में हमने 2020 में जो सामाजिक सुरक्षा संहिता पास की गई है उसमें किस तरह से संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों को समान रूप से लेकर के सामाजिक सुरक्षा के संकल्पना को और मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है उसको हमने देखा धन्यवाद